डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज का बात करें तो 7.3 की कुछ क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग उन्हें 22 नंबर के क्वेश्चन तक के कम्प्लीट किया है, ठीक है। तो चलिए उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 ये एक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो 7.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने 22 तक कंप्लीट किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है। यहाँ तो इंटीग्रेशन है, हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि अगर ऊपर में प्लस और माइनस रहता है, ऊपर में कोई दो फंक्शन है अगर प्लस और माइनस में रहे और उसके नीचे का कोई चीज रहे हर में, तो हम लोग मैथमेटिक्स में ये रूल बोलता है कि अलग अलग उसको तोड़ सकते हैं। इट मीन्स ऐसे, जैसे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ही है, साइन स्क्वायर एक्स बटा इस पूरा को लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में है तो माइनस, फिर कोस स्क्वायर एक्स के नीचे दोनों, तो कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और पूरा का क्या डी एक्स। इसका मतलब है कि पूरा का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर मिटाते हैं, फिर हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है, साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, तो ये कट गया। यहां से देख पा रहे होंगे तो कोस स्क्वायर एक्स कट गया, तो अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो इंटीग्रेशन। ऊपर कुछ नहीं है तो वन ना, एक बार में कटा तो वन, और वन बटा कोस स्क्वायर एक्स कितना बनता है, तो वन बटा कोस स्क्वायर एक्स जो बनता है वो ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और माइनस यहाँ पे वन बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो वन बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। तो वन बटा साइन स्क्वायर एक्स है, तो वन बटा साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और पूरा का टी एक्स, ठीक है। चलिए फिर हम लोग काम क्या करते हैं, तो ये जो माइनस में है इसको अलग अलग तोड़ते हैं। तो जब ये माइनस में वैल्यू है तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा जरा देखिए। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के साथ है डी एक्स, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं ना, जब यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस है, इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो यहाँ बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। चलिए फिर अगर बात करें तो हम लोगों को क्या बनता है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो पूरा पूरी होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है हम लोगों का टेन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स, और यहाँ माइनस पहले से है, और दोस्तों कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स होता है, माइनस कॉटेक्स, और प्लस में क्या सी लगाते हैं इंटीग्रेशन के बाद, तो कुल मिलाकर आंसर हो गया टेन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉटेक्स प्लस सी। देख पा रहे होंगे कि हम लोग का कौन सा आंसर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों का यही ऑप्शन है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 के बाद 24 पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट वाला 7.3 एक्सरसाइज का। टोटल पता है ना, हम लोग जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं उसमें टोटल 7.11 है,
जिसमें 7.3 समझिए हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टोटल 7.3 में जो क्वेश्चन है वो टोटल 24 है, ठीक है, और हम 23 तक के कर लिए हैं क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कि 24 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो 24 बोला जा रहा है एक्स ई के पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स, पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स बट्टा में कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर, ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू एक्स है और यहां पे डी एक्स है, ठीक है। चलो देखो आप करो क्या यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल रहा है, क्या इस सवाल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो e के पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हुआ e के पावर x और प्लस प्लस प्लस, अब e के पावर x को x से गुना करेंगे तो e के पावर x इंटू एक्स होगा पूरा और बटा में कितना, तो cos स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स और इंटू में dx। दोस्तों यहां पे जरा हम लोग सोच पा रहे हैं कि अगर e के पावर x इंटू एक्स को अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, जरा देखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने सीखा है कि इंटीग्रेशन को देखकर हम लोगों को ये अंदर का सोचावट आना चाहिए कि अगर किसको t मानेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन भी सवाल में दिया रहे, ठीक है। तो नीचे वाला जो कोस स्क्वायर के अंदर में है, कोस स्क्वायर के अंदर में क्या है, ई के पावर एक्स इंटू एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ले ई के पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ई के पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे t। तो जब ई के पावर एक्स इंटू एक्स को t मान लेंगे तो हम लोग यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x और x ये दोनों किस में है, गुना में है, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है कि u को बाहर कीजिए तो u को बाहर करेंगे तो भी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इस बार भी को बाहर करना है यानी x को बाहर करेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x और एक तरफ dx और दूसरे तरफ dt, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू एक्स और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, देख पा रहे हैं ना। तो हम अब अच्छा से देख पा रहे होंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू dx, इतना के जगह पे ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख दिया dt बटा कोस स्क्वायर है, ठीक है भाई, कोस स्क्वायर लिख दिया और e के पावर x इंटू एक्स, e के पावर x इंटू एक्स को क्या लिखा t, क्योंकि हम लोग t माने हुए हैं, ठीक है। अब जब आपको इतना बात समझ में आ गया तो सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 1/ कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये जो कोस स्क्वायर है अगर ये ऊपर गया तो कितना बन गया, ऊपर गया तो बन गया sec स्क्वायर t dt, नहीं dt तो ऊपर तो ऊपर ही है, ठीक है, और ये 1/ cos स्क्वायर था तो ये ऊपर गया तो क्या बन गया sec स्क्वायर t। अब यहाँ पे sec स्क्वायर t dt का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x dx का फार्मूला होता है tan x, क्या होता है tan x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर t dt का फार्मूला क्या होगा, tan t प्लस c, tan t प्लस c, ठीक है। अब t हम किसको माने हुए हैं, तो t माने हुए हैं हम लोग e के पावर x इंटू एक्स, तो इस t के जगह पे हम रख दिए e के पावर x इंटू में x और प्लस में c, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों को आंसर किस में मिलता है, तो आंसर मिलता है बी नंबर में, हालांकि बी नंबर ऐसे ऑप्शन है टेन दिया है और ये गुना में है ना, तो एक्स को पहले लिख सकते हैं बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
एक्स को पहले लिखें, ई के पावर एक्स को बाद में लिखें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग 7.3 पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं। 7.3 हम लोगों का पूरा पूरा खत्म हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, वो है एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 7.4 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हालांकि 7.4 का बात करें तो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग 7.4 के कुछ थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.4 का थ्योरी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बचा हुआ था 7.3 का, जिसको हम लोग पूरा कंप्लीटली किए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 का थ्योरी, एक्सरसाइज 7.4 का थ्योरी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.4 के थ्योरी का बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग फार्मूला नोट डाउन करेंगे कि क्या है फार्मूला। चलेंगे लिखा जाए, फार्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट फंक्शन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट फंक्शन। यानी कि हम लोग अभी इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन का, यानी कि कुछ इस तरीके का फंक्शन रहेंगे तब हम लोग उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला रूल्स बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन है और ऊपर डीएक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। देख लीजिए, ए का मतलब क्या? कॉन्स्टेंट। ए मतलब क्या? कॉन्स्टेंट। तो इसका फार्मूला होगा 1/2a, ठीक है, log mod x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, और इंटीग्रेशन में तो c लगाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर इस तरीके का फंक्शन होगा dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो 1/2a दिखना है। ठीक है, और log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए का मॉड, लॉग के अंदर में मॉड, ठीक है, लॉग बाहर है, 1/2 सबसे पहले लिखना है, फिर लॉग लिखना है, फिर मॉड में एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। ये सोचिए तो फार्मूला है एक तरीके से। दूसरा फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन रहा, अगर यही हम लोगों को डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तब क्या फार्मूला? ध्यान दीजिए, इस बार एक्स स्क्वायर पहले है और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है। इस बार ए मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तब हम लोगों का फार्मूला क्या होगा? तो 1/2a लॉग ब्रैकेट में ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का मॉड बटा में ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स और प्लस में क्या? सी। ठीक है, तो ध्यान रखे, आप याद रखिएगा इन फार्मूला के, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मतलब कुछ का भी फंक्शन अननोन वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा और ए स्क्वायर रहेगा तो होगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए का मोड और प्लस में सी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला और ये फार्मूला में अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट रहेगा बाद में एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड में ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा हम लोगों को दूसरा फार्मूला। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे तीसरा फार्मूला। इस फार्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं हम भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हालांकि भी इन सारे फार्मूले को नोट करते चलिए। चलिए तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो तीसरा फार्मूला जो है वो इस तरीके से है, मॉड इंटीग्रेशन
डीएक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या फिर इंटीग्रेशन ऊपर डीएक्स रहे या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है। और दोनों का फार्मूला क्या होता है नीचे लिख देते हैं, यानी कि बात को समझिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, क्योंकि जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप चार प्लस पांच करो चाहे पांच प्लस चार करो, दोनों का वैल्यू दोनों ही आएगा, लेकिन माइनस वाले में अंतर पड़ जाता है। एगो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है, दोनों में फर्क होता है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। लेकिन अगर प्लस का बात करें तो अगर क्वेश्चन में डीएक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रहे या ए स्क्वायर पहले रहे और फिर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा, और वो फार्मूला होगा वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, एक्स ऊपर रख देंगे और ए को नीचे रखेंगे, वन बाय ए लिखेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस सी, ठीक है। अब यानी कि प्लस में रहना चाहिए, ध्यान दीजिए प्लस में रहना चाहिए, ए स्क्वायर बाद में रहे चाहे ए स्क्वायर पहले रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि प्लस में रहना चाहिए। तो ये फार्मूला हम लोगों को एक ही साथ है, आपके पास जगह होगा तो सामने ही लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये तीसरा फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, चौथा फार्मूला कुछ इस तरीके से है, डीएक्स बटा, देख लीजिए डीएक्स बटा रूट अंडर रहेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए वो बिना रूट का था, अगर रूट रहेगा और तब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तब फार्मूला कैसे लिखेंगे, तब इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड में लिखेंगे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान दीजिएगा अगर हम लोगों को डीएक्स बटा ये रूट चढ़ जाए और रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, तब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां ए का मतलब क्या, ए का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ए का मतलब कांस्टेंट। तो ये हम लोग यूज करते हैं, हालांकि सभी फार्मूला नोट कीजिए, सबका यूज करेंगे तो पता चलेगा, और सबको याद भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आता है कि इतना के जगह पे कौन सा ऑप्शन में से सही है, ठीक है, ये फार्मूला ही होता है। पांचवा डीएक्स अंडर ऊपर डीएक्स रहेगा और अंदर में मतलब हर में ये वाला आपकी पहले रहेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस सी। ध्यान दीजिएगा अगर रूट रहेगा लेकिन ए स्क्वायर पहले आ गया और माइनस के बाद आ गया एक्स स्क्वायर, तब ये फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस में सी। ध्यान दीजिएगा ये साइन इनवर्स कब आता है, जब रूट रहेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब। नेक्स्ट फार्मूला छठा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर डीएक्स है नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या फिर या इंटीग्रेशन डीएक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। देख लीजिए दोनों सेम ही है, रूट में रहना चाहिए, लेकिन एगो रूट वाला है दोस्तों, एगो बिना रूट वाला है। ध्यान दीजिएगा फार्मूला अपनाते समय हम लोग यूज सब कुछ ध्यान में रखेंगे कि कौन फार्मूला लगेगा। तो यहां अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहां पर फार्मूला यूज करेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
प्लस में सी, ठीक है। तो ये हम लोगों को छठा फॉर्मूला याद रखना है। अगर रूट में रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, यानी कि प्लस में रहना चाहिए, रूट में रहना चाहिए, वो किधर भी रहे, ए स्क्वायर पहले रहे चाहे एक्स स्क्वायर बाद में रहे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर अभी तक के हम लोगों को 6 फार्मूला मिला है। नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7, 7 नंबर फार्मूला। क्या है 7 नंबर फार्मूला भाई? अगर इंटीग्रेशन रहेगा dx बटा x माइनस a रहेगा और इनटू में x माइनस b रहेगा, यानी a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, लेकिन किस में है? माइनस में। ध्यान दीजिएगा, x माइनस a और x माइनस b, कब? तो नीचे रहना चाहिए ऊपर dx, तब इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो इसका फार्मूला होगा log, ठीक है, log मॉड में, log का मॉड में x माइनस a प्लस b बटा में 2, ठीक है, सॉरी x माइनस a प्लस b बटा 2 और प्लस रूट अंडर x माइनस a और x माइनस b का मॉड प्लस c। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को ऐसा कुछ फार्मूला मिलेगा, यानी कि अगर इंटीग्रेशन रहे और ऊपर dx रहे और x माइनस a और x माइनस b रहेगा, x माइनस a और x माइनस b रहेगा, तब हम लोग उसका फार्मूला कैसे यूज करेंगे? तो log लिखेंगे और ये मॉड में, ये देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का मॉड है, log के अंदर में मॉड है, ठीक है, और x माइनस a प्लस b को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर प्लस वैसा का ही वैसा रहेगा, यानी कि x माइनस a x माइनस b का रूट कर देंगे बस, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूज कर लेते हैं, क्या होगा इंटीग्रेशन एग्जांपल के तौर पर। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है, इंटीग्रेशन है 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आखिर फार्मूला पे आएगा कैसे। सबसे पहले आपको फार्मूला पे बनाना है, किस पे बनाना है? फार्मूला पे बनाना है। तो फार्मूला पे ये बनेगा कैसे ये सोचिए। तो इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन है, 1 को dx से गुना करेंगे तो ऊपर dx चला आएगा, हालांकि उससे मतलब नहीं है, dx को हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं या फिर 1 से हमको कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख सकते, लिख दिए यहां पे dx, और ये रूट में है तो 1 को हम लिख सकते हैं भाई 1 का स्क्वायर, नहीं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, और इस 4x स्क्वायर को क्या लिख दिया, तो 2x का होल स्क्वायर, नहीं क्या? अब ये कौन सा फार्मूला पे आ गया पता है? ये फार्मूला पे आ गया कब, जब ऊपर dx रहता है और रूट रहता है और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस 2x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे a के जगह पे 1 है और x के जगह पे 2x है, नहीं देख लीजिए फार्मूला ही ना होता है, इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर का मतलब कांस्टेंट, 1 का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो यहां बन रहा है x का स्क्वायर,
तो यहाँ फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे बन रहा है फोर एक्स स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिए, तो टू एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख दिए, लिख सकते इसको, उसको लिख दिया। तो यहां से पता चल रहा है कि ए के जगह पे वन है और एक्स के जगह पे टू एक्स है। तो अब हमको इसका फार्मूला याद आना चाहिए कि क्या होता है डीएक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है, लिख देते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसका सिंपल वे में इसका आंसर क्या होगा पता, इसका भी सिंपल वे में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले लॉग लगाएंगे, लॉग है, फिर मॉड देंगे, यहां एक्स है, यहां एक्स है, क्यों एक्स है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था, यहां पे टू एक्स का स्क्वायर है, तो यहां एक्स की जगह पे टू एक्स। ठीक है, प्लस प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो यहां एक्स की जगह पे क्या है, टू एक्स का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, और प्लस में सी। लेकिन दोस्तों एक्स का गुणांक देखिए कि एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक दो है, तो इसलिए इसको दो से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को आंसर किस तरीके से दिखाने लगा, तो आंसर हम लोगों को आया कुछ इस तरीके से, कैसे, तो वन बाई टू, इस वन बाई टू को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, तो वन बाई टू इंटू लॉग मॉड में क्या बना, तो टू एक्स प्लस रूट अंडर इस टू एक्स का होल स्क्वायर बन गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो कुल मिलाकर हम लोगों को ऐसा आंसर बन गया। तो ये फार्मूले को जरा अच्छा से देखना है कि ये किस फार्मूले पे आ रहा है, और उस फार्मूले पे हम उसको उसी तरीके जैसा तोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कि आने वाले एग्जाम्पल में हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, इंटीग्रेशन वन बाय रूट अंडर नाइन माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। दोस्तों हो जाएगा क्या आपसे, सबसे पहले आप इसको फार्मूले पे बनाइए। फार्मूले पे बनाना कैसे है, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिखिए, वन इंटू डी एक्स कितना हो गया, तो ऊपर हो गया डी एक्स, नीचे ये रूट है तो रूट लिख दिया। अब देख लो भाई ये कॉन्स्टेंट है ना, तो ये नाइन जो है कितना का स्क्वायर होता है, थ्री का, तो यहां पे लिख दो थ्री का स्क्वायर माइनस ये पच्चीस एक्स स्क्वायर है, तो पच्चीस एक्स स्क्वायर जो है कितना का स्क्वायर होता है, तो ये जो पच्चीस एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं पांच एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिखने लगा कि किस फार्मूला पे है, तो इंटीग्रेशन ऊपर डीएक्स रहता है फिर रूट रहता है और यहां पे कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट है यानी कि ए स्क्वायर माइनस यहां क्या एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूला पे ना है। अब अलग बात है यहां पे ए के जगह पे तीन है, ए के जगह पे तीन है और एक्स के जगह पे यहां पे फाइव एक्स है, तो ये अलग बात हो गया। तो सिंपल है, जहां फार्मूला में एक्स होगा हम लोग फाइव एक्स रखेंगे और जहां फार्मूला में ए होगा वहां पे हम लोग रखेंगे थ्री। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि हम लोगों को फार्मूला था डीएक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, कि साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, यही ना फार्मूला था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां लिख दीजिए साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे, तो एक्स के जगह पे फाइव एक्स बटा ए, तो ए की जगह पे आपका कितना है ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे तो तीन है, तो साइन इनवर्स फाइव एक्स बाई थ्री,
लेकिन दोस्तों x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है, 5। तो इसको 5 से पूरा को भाग कर देंगे तब दे देंगे प्लस b। इसको अगर अच्छा से लिखना चाहे आंसर तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। तो ये जो 5 नीचे है बटा में 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। तो ये जो थोड़ा सा सटीक आंसर हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है, ये साइन इनवर्स 5x/3 ये पूरा लिखिए, उसके बट्टा में 5 दीजिए, तो थोड़ा सा ये अटपटांग जैसा नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल वे में कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बस फार्मूला को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। क्या है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 1/(x-1) और x-2, ठीक है, इंटू dx। दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किस फार्मूले पे है, ये अपने से सोचकर इसको आंसर बनाकर मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। और बाकी का दोस्तों थ्योरी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हैं जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो जितना भी 6-7 आज फार्मूला पढ़े हैं वो बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि सभी का यूज है हमारा ये एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आज हम लोग पढ़े, और एक क्वेश्चन जो दिए हैं आपको बनाने के लिए इसको जरूर बनाइए, और बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में भी 7.4 यानी कि इसी का थ्योरी सीखेंगे। अभी थ्योरी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अधूरा थ्योरी खत्म हुआ है, यानी कि थ्योरी आधा खत्म हो गया, आधा बचा हुआ है, तो कल में भी कि खत्म हो जाए और फिर हम लोग कल स्टार्ट भी कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।